पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला अंतर्गत बहुत सारे जगहों में दिसंबर और जनवरी महीना में बहुत सारे फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिनमें से गुरबथान ब्लॉक के अंदर पेरेंटार में मनाने वाले खोलेदाई फेस्टिवल और गुरबथान बाजार में मनाने वाले ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल का एक अपने ही विशेषता है। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस फेस्टिवल में अपनी परंपरा को दिखाता है। ये दो अलग अलग फेस्टिवल को लेकर वीडियो वॉलेंटियर ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, आइए देखिए ये रिपोर्ट। आफ्नो कल्चरलाई जो झगडा गरेर राख्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृतिलाई झगडा गरेर राख्नुपर्छ, हाम्रो वेशभूषालाई झगडा गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट थाहा पाइन्छ। सबै जातिले आफ्नो आफ्नो कल्चर, आफ्नो आफ्नो संस्कृति यहाँ दर्शाउँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अति नै राम्रो हो, आउँदो दिनहरूमा अझै राम्रो भएर जाओस्। गोर्खा नेपाली हजुर 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 हामीले धान खेतीहरू गरेर एग्रिकल्चरमा हजुर हजुर आज दिनदिनै त्यो कुरा लुप्त हुँदैछ, लोप भएर जाँदैछ। तपाईँको समयमा के कस्तो प्रकारले त्यो खेतीहरू गर्नुहुन्थ्यो? अब पहिला त हेर्नुहोस्, जस्तो धानको ब्या राखिन्थ्यो होइन, अब त्यसको पछाडि धान रोपाइ हुन्थ्यो, हिलो खेलेर अब जमिनहरू अलिक बेसी हुनेले जमिनदारहरूले त अब बेठी भन्थ्यो होइन, बाजा बजाएर मजाले हिलो छेप्दै हिलो यो गर्दै धान रोपाइ गर्थे। अब धान काटिसकेर पनि त्यसले दाइँ गरिन्थ्यो होइन, त्यस बेला नि अर्कै रमाइलो थियो, तर आज यो सबै हराउँदै गइसक्यो। आज यो चिजहरूलाई बचाउनको निम्ति है यस्तै फेस्टिभलहरू गर्दैछन्। हजुर यो फेस्टिभलले दर्शाउँदैछन् कि यो कुराहरू गरिन्थ्यो। हजुर यो कुराहरू देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अति खुसी लाग्छ, मैले त्यो दिनहरू याद आउँछ। भनेपछि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि जुन कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत भइरहेको यस्ता फेस्टिभलहरू हजुर आउने दिनहरूमा नि भएर भइरहोस् भइरहोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। आउने जेनेरेसनका नानीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ? नानीहरूले यो प्रोग्रामहरू यस्तो हेरेर उनीहरूले यो सिकुन् कि हामीले कसरी हाम्रो कल्चरहरू जोगाड गरेर राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ सिकुन्। नत्र भने अब नानीहरू त अहिले साँच्चै नै हेर्ने हो भने मोबाइल र फेसबुक र कोनि केमै टिकटकमै यो हुँदैछन्। तर यो सब नगरेर आफ्नो समय चाहिँ आफ्नो जातिलाई दिएर यो गर्न सिकाउनु चाहिँ हाम्रो पनि कर्तव्य हो, गार्जेनहरूको कर्तव्य हो। हामीले त्यो गर्दैनौँ, त्यो गल्ती भएको छ। हाम्रो पनि सानो भाइ बहिनीहरूले यो सब बिर्सिसक्यो, हाम्रो सांस्कृतिक कल्चरहरू सबै लोप भएर गइसक्यो। बुझ्नुभयो त? हाम्रो यो कल्चरहरू सबै लोप भएर गइसक्यो, हाम्रो संस्कृतिहरू लोप भएर गइसक्यो। तर यो सबै गर्नाले चाहिँ आज आउँदो जेनेरेसनले चाहिँ शिक्षा पाओस्। यहाँनिर के पाइन्छ? यहाँ पाइन्छ वाचुकाहरू पाइन्छ, तपाईँले चाहिँ यहाँ के राख्नुभयो? मैले त यहाँ जुलापी राखेको छु। यो जुलापी चाहिँ केको जुलापी हो? मेवाको जुलापी बनाएर राखेको छु। नमस्ते, मैं अरुणव दाम हूँ। खोलेदाई फेस्टिवल आपका ये इस बार सेकेंड एडिशन है, सेकेंड टाइम कर रहे हैं हम लोग। लास्ट 2021 से स्टार्ट किया है ये फेस्टिवल और इस बार हम लोग सेकेंड टाइम कर रहे हैं। हम लोग का मोटिव ये है कि ये फेस्टिवल हम लोग एवरी ईयर करना चाहते हैं, एक कैलेंडर इवेंट जैसा। हम लोग के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा कैलेंडर फेस्टिवल नहीं है, तो ये हम लोग का एक इसलिए टारगेट है कि इसको एवरी ईयर करना है हम लोग के। हम लोग ने जितना हो सके ट्रेडिशनल म्यूज़िक, यही का जो लोक संगीत और आपका फोक म्यूज़िक जो बैंड और आर्टिस्ट है अलग अलग जगह से, उन लोग को भी हम लोग ने इसमें इन्वॉल्व करने का ट्राई किया है। ये फेस्टिवल सिर्फ दिसंबर महीने में होता है या कुछ और महीने में भी चलता है? नहीं, ये फेस्टिवल आपका दिसंबर में ही होता है। हम लोग का लास्ट ईयर भी हम लोग ने 15-16 किया था, इस बार हम लोग ने और दो दिन ऐड किया है, तो 15-16-17-18, तो चार दिन ये फेस्टिवल हो रहा है। तो इस बार हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कालिम्पोंग, उन लोग ने भी हम लोग को सपोर्ट किया है इस बार।
प्लस जो हम लोग का जितना भी कल्चरल बोर्ड होता है सब ने, बहुत सारा कल्चरल बोर्ड ने हम लोग को इस बार हेल्प किया है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मेनली अपने पावर को यूज़ करके जितना अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकता है हम लोग को फाइनेंशियली प्लस फिजिकली भी वो आके हम लोग को हेल्प किया है। जैसे आके हम लोग का उद्घाटन कर दिया, यहाँ पे आके हम लोग को सपोर्ट किया। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हम लोग को सपोर्ट किया है। अब खोले बोलने से तो आदमी को लगेगा इसमें क्या है, लेकिन इसमें एक सिंपल मीनिंग छुपा हुआ है। और दाई जो है, मैंने आपको बोला जो राइस का हार्वेस्ट करने के बाद जो बहुत सारा चीज़ होता है उसको हम लोग एक कंबाइन करके उसको हम लोग दाई बोलते हैं। तो ये खोले और दाई, ये दोनों मिक्स करके खोले दाई का नाम आया है। इस फेस्टिवल से इस देश भर में रहने वाले जितना भी लोग हैं, आपको एक्चुअल में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जितना भी हम लोग मॉडर्न हो सकते हैं, हम लोग हो रहे हैं, हम लोग के पास अभी सब तरीका का टेक्नोलॉजी है, सब फैसिलिटीज हम लोग को मिल रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ से आते हैं, हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। और इसी के यही है हम लोग का मैसेज। हम लोग का मैसेज इतना बड़ा कुछ नहीं है, हम लोग एक सिंपल मैसेज देना चाहते हैं। और अभी आप इंडिया में आप देखें कि सब हम लोग का गाँव ही ज़्यादा है, इंडिया में शहर कम है, गांव ज़्यादा है। तो हम लोग को गांव को जितना हो सके उसको घूम होना नहीं चाहिए। गांव शहर नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांव डेवलप नहीं होगा, लेकिन हम लोग का जो रूट्स है, हम लोग का जो कल्चर है, उसको एकदम ही स्ट्रांगली पकड़ के रखना चाहिए। यही मैसेज हम लोग ये फेस्टिवल के थ्रू से हम लोग देना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल में नया है तो इस तरह का वीडियो का अपडेट पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई बात रखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कुमाई से मैं मंजिल थापा, इंडिया अनहट के लिए। थैंक यू।